हेलो एवरीवन, आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि ईओ आरओ वैकेंसी के लिए मैडम थोड़ा गाइड कर दो। तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ईओ और आरओ की वैकेंसी के लिए डेट आप जानते हैं आ चुकी है। ये कितना बड़ा पद है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकांश लोग ये सोच के फॉर्म नहीं भरते कि थोड़ी सी तो वैकेंसी है, हमारा तो कहाँ होगा। तो यदि आप फॉर्म भरने से पहले ही अपने आप को हारा हुआ मान चुके हो तो ये समझ लीजिए कि आपके एटीट्यूड की समस्या है, वह बहुत बड़ी समस्या है। आपको हार नहीं माननी है, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाना है और फॉर्म भरना है और कॉम्पीट करना है। यू नेवर नो आपके स्टार्स कब बुलंद हो और आप इसको पार कर जाएं। ईओ कितना बड़ा पद है, आरओ कितना बड़ा पद है, आप जानते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें पंचायत समिति लेवल पे बीडीओ महोदय होते हैं, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो प्रधान साहब के साथ में पैरेलली प्रधान साहब जो हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके साथ में बीडीओ साहब जो हैं वो प्रशासनिक पद है। और वो जितने भी पंचायती राज कानून के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं, स्कीम्स हैं, उन सब का डेवलपमेंट, उनका सबका एग्जीक्यूशन करवाते हैं। उनके पास अपनी खुद की एक मशीनरी है और उस मशीनरी में ग्राम स्तर पर हम जानते हैं कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं और भी विलेज में लगे हुए एलडीसीज और सरपंचों के माध्यम से भी काम करवाते हैं। तो ये उस तरफ चलने वाला काम है। इसके पैरेलल लोकल सेल्फ गवर्नेंस में नगरीय निकायों में नगर पालिकाएं हैं और नगर पालिका के जो मुखिया हैं उनके साथ पैरेलल हर एक काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद है, जिसको अधिशासी अधिकारी इसमें लिखा गया है, जिसको शॉर्ट में आप ईओ बोलते हैं। वो बिल्कुल बीडीओ साहब के इक्विवेलेंट समझ लीजिए नगर पालिका लेवल पे। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि पंचायत स्तर में टेरिटोरियल एरिया बहुत बड़ा होता है, जबकि नगर पालिका का जो कार्य क्षेत्र है उसमें नगर सिर्फ नगरीय निकाय आता है, लेकिन पावर्स ऑलमोस्ट दोनों के इक्वल है। इतना बड़ा पद है, या और भी स्कोर विस्तृत करना चाहें तो ये समझ लीजिए कि क्षेत्र में तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब और ईओ साहब ऑलमोस्ट बराबर काउंट होते हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने वाली पोजीशन है और नगर पालिका में एक वैसे मुखिया जैसी पोजीशन है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूंगी कि बहुत सुनहरा मौका है। 2015 के बाद में वैकेंसी अनाउंस की है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिए, तैयारी शुरू कर दी है, बहुत 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 बढ़िया, ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि कम पद हैं, फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। पद कम हो ज्यादा हो से फर्क नहीं है, हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए तो एक सीट रिजर्व्ड है, औरों का मुझे पता नहीं। तो अब तो बिकॉज द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी ओवर, सो वी कैन नॉट डू इट अगेन, बट वॉट वी शुड डू इज, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज लाइन से अनाउंस होंगी और उन सब के लिए हमें तैयारी को जारी रखना है। इसका ही आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है। ये जो सिलेबस है आरएएस के प्रीलिम्स के सिलेबस से एज इट इज 1-to-1 मैच खाता है, शब्दशः सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। फिर मैं कहूंगी कि आरएएस के लिए जो आपने बुक को वो बना रखा है बेस, चाहे वो लक्ष्य की बुक हो, चाहे आपकी खुद की नोट्स हो, चाहे राशन बोर्ड की बुक हो, उसको ही इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए समान रखना है, चेंज नहीं करना है आपको। ये भी सेम आरएएस जैसे सिलेबस है। इसमें इसके साथ साथ में आपको जो हमारे लेटेस्ट इकोनॉमिक रिव्यू है उसको भी ध्यान में रखना है। हम बात करते हैं ये, इसके लिए आप लक्ष्य की बुक ले सकते हैं, पैनोरमा ले सकते हैं। कुछ लोग लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके पास जनरली एम लक्ष्मीकांत सर की बुक मिल जाती है, उससे पढ़ सकते हो। आरबीडी की बुक से, सारी बुक्स में कंटेंट सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट बुक वो होनी चाहिए जिसमें टाइपिंग मिस्टेक कम हो, कम से कम हो या नगण्य हो, और फैक्ट की मिस्टेक तो जीरो हो, बस ये ध्यान रखिए। बात करते हैं ये कहाँ से पढ़ें। ये तो करंट अफेयर्स, इसके लिए मुमल्या अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की बुक पढ़ी जा सकती है। कपिल की भी बुक अच्छी है, कपिल चौधरी जो हमारे साथ हमारे बैच में आरटीएस में बूस्टर बुक निकालते हैं वो बुक भी अच्छी है, उसमें से भी तैयारी कर सकते हैं। इनको पढ़ने के लिए स्पेशली आपको दिक्कत आ रही होगी, सोच रहे होंगे कहाँ से पढ़ें। एक तो सीधे से लिखा हुआ है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये कहाँ से मिलेगा, इसका पीडीएफ आपके पास में आ गया होगा। कानून प्रकाशक की बुक है, वहां से भी ले सकते हैं, मार्केट में और बुक्स भी आ जाएंगी, बेरेक्ट पढ़ना है। लेकिन 2009 से लेकर के अभी तक इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, उन संशोधन के लिए एक लिंक है वो मैं आपको दिखा दूंगी, उनको जरूर रेफर करना है।
प्लस ये जो आपको दिख रहा हो नगर पालिकाओं का गठन और शासन, ये क्या है, ये उसमें चैप्टर्स के नेम्स हैं, जो हमारा नगर पालिका अधिनियम है उसमें चैप्टर नेम्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये शायद चैप्टर, ये शायद चैप्टर थर्ड है, ये चैप्टर फोर है, चैप्टर फाइव है, चैप्टर सिक्स सिलेबस में नहीं है, फिर चैप्टर सेवन है, चैप्टर एट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, नाइन नहीं है, टेन भी नहीं है, टेन को पार्शली आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद में नगर पालिका राजस्व जो है वो भी सिलेबस उसमें एक चैप्टर है। तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स इस पर्टिकुलर अधिनियम में नहीं पढ़ने हैं वो आपको बता सकती हूँ। आपको चैप्टर सिक्स नहीं पढ़ना, एट नहीं पढ़ना, नाइन नहीं पढ़ना, टेन नहीं पढ़ना, और फिर बाद में फिफ्टीन ऑनवर्ड्स नहीं पढ़ना। ये जिन चैप्टर्स के नाम है वो एज इट इज पढ़ने हैं और उसका कोई समाधान नहीं है। प्लस राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय अनुबंध नियम, ये भी एज इट इज बेयर एक्ट पढ़ना है। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, ये भी बेयर एक्ट पढ़ना है। और राजस्थान नगर पालिका समितियों में शक्तियां कर्तव्य एवं कृत्य नियम 2009, ये भी बेयर एक्ट पढ़ना है। तो आप कहोगे कि मैडम कितना पढ़ें, इस पूरे कंटेंट से 40 नंबर के सवाल आएंगे और जो ऊपर वाला कंटेंट है उससे 80 नंबर के आएंगे। तो आप ये सोच लो, यदि आप दिमाग में ये सोच के बैठे हुए हो कि आपके साथ कॉम्पिटिशन में मैं तो 80 में से 70 को आराम से ले ही आऊंगा, तो बॉस आपके साथ ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ऐसा ही तैयारी कर रहे हैं, यही सिलेबस है, आरएस तैयारी कर रहे हैं, यही सिलेबस है। इवन आरएस अलाइड में सिलेक्टेड लोगों ने भी फॉर्म भरा है, क्योंकि ईओ, मैंने बताया आपको, ईओआरओ बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन है, बहुत पावर की भी पोजीशन है, इसलिए अलाइड सर्विसेज वालों ने फॉर्म भरा है और उनका आरएस प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी है। तो आपको न केवल उधर ध्यान देना है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रेंथ एरिया हो सकता है। फिर ये देखिएगा, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं। तो अब इन सारी योजनाओं को आपको राजस्थान के फ्लैगशिप स्कीम्स नाम से राजस्थान के डीआईपीआर की वेबसाइट पे पीडीएफ पड़ा है, वहां से लेना चाहिए। प्लस डीआईपीआर की वेबसाइट जब भी आप खोलेंगे तो आपको इन सब से रिलेटेड जो जो सरकार छापती है अखबार में, वहां की पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। आप वहां से इसके नोट्स बनाओ। और इसके लिए जो मैं कह रही हूं कि इसमें जो संशोधन हुए हैं, उस संशोधन के लिए मैं अभी आपको एक लिंक खोल के दिखा देती हूं। तो ये देखिए, ये वो लिंक है, आपके साथ मैं इस जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ये है urban.rajasthan.gov.in और इसमें एक्ट रूल्स एंड नोटिफिकेशन, आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो सब जो सबसे नीचे, ये देखिए इसमें जो सबसे नीचे वाला लिंक है उसमें तो लिखा हुआ राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 2009, और यहां से जब इसको डाउनलोड करते हैं, व्यू करते हैं, तो पहले 100-125 पन्ने तो आते हैं हिंदी मीडियम के, और उसके बाद में इसी का इंग्लिश वर्जन फॉलो करता है। अब इसके बाद में इसमें जितने भी चेंजेस हुए वो सब यहाँ लिखे हुए हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप पीडीएफ उसकी डाउनलोड करें तो एक बार यहाँ होने वाले अमेंडमेंट्स को भी देखें, एंड आई शैल ऑल्सो डाउनलोड देम एंड शेयर विद यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसे मैंने आपको कहा था कि एक बार तैयारी करो और बार बार में सफलता पाओ। उसका मतलब क्या था, कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज हो रहे थे कि वो ऐसे क्यों कहा मैंने आपको, तो ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। मैं अक्सर कहती हूँ कि सिलेबस जब सेम है, हमें वही राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी या इसकी स्कीम्स या इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ और पॉलिटी बार बार में पढ़नी पड़ती है, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कर लें कि जब भी जरूरत पड़े बस अपने नोट्स को रिवाइज करें और किसी एग्जाम स्पेसिफिक के लिए जो सिलेबस है उसको रेफर करें। सो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, ये देखिए आप, मतलब ये है रिम, इट्स अ सेट ऑफ 500 पेजेस, इट्स अ सेट ऑफ 500 पेजेस जो एक उसमें पैकेट में डल के आता है, 500 सफेद शीट्स आती हैं इसके अंदर इस प्रकार की, और इनको आप लिखने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए काम ले सकते हैं। कहीं ये 125 रुपए का मिलता है, कहीं 140 रुपए का मिलता है। आप बस पैसे के चक्कर में बस ये याद रखिएगा कि आप 70 GSM से पतला पेपर ना लें, वरना आप बॉल पेन से लिखेंगे ना दूसरी साइड छपेगा। अब मैं इन पेपर को लेने की आपको क्यों कहती हूँ कि आप ये पेपर लेकर के आइए उस पर लिखिए, उसका रीजन ये है, मान लीजिए मुझे इसके नोट्स बनाने हैं, ये जो कंटेंट है यहां से इसके नोट्स बनाने हैं। तो जो पहला पॉइंट है, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरापाषाण से ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग तक, तो इसके लिए मान लीजिए मेरे नोट्स बने इन 15 पेजेस में, तो मैं क्या करूं, इनको यहां से स्टेपल कर दूं और रख लूं, फिर अगले की बुलेट जो है इसके हेडिंग डालूं, ये ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईसवी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति, इसके मैंने नोट्स बनाए
और 10 पेज के नोट्स हुए, इनको मैंने स्टेपल किया और रख लिया। अब इस प्रकार से आप इन सारे बुलेट्स के लिए नोट्स बना लीजिए। कई बार क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम को आप दे रहे हैं और उसमें ये वाला नहीं है, प्रदर्शन कला नहीं है, तो आप इन नोट्स को क्या करें, या तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट बैग ले आए, जैसे ये बैग्स मेरे पास हैं और उसमें ये टच बटन है, दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे बैग में डाल लें। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, ये बाइंडर क्लिप्स आती हैं, मैं थोड़ा पास आगे दिखा रही थी आपको, ये बाइंडर क्लिप आती है 5-7 रुपए की आती है, इससे आप बाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बाइंड कर रखा है, ये मेरे नोट्स हैं एथिक्स के, तो आप इसमें इसके माध्यम से मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे ये शुरुआत के कुछ पेज जो हैं, ये एथिक्स की विधियां, एथिक्स की मोरल, एथिक्स वर्सेस मोरलिटी, उस कंटेंट के हैं। फिर ये है जो हमारे जितने भी दार्शनिक हुए हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट है, स्टेपल किया हुआ है। फिर ये जो कंटेंट है ये मैंने कहीं से प्रिंट आउट निकाला, उसका है। फिर नेक्स्ट जो बाउंड है वो मिलेगा आपको इस प्रकार का, ये देखिए, और ये प्रिंट आउट है। तो इसका मतलब ये जो मेरे एथिक्स के नोट्स हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट्स। और इसी प्रकार से आप इसके नोट्स बना लीजिए राजस्थान के जीके के, और उनको एक बड़े से बंडल में डाल दीजिए। अब क्या होगा, जिस एग्जाम के लिए वैकेंसी अनाउंस हो उसके सिलेबस के हिसाब से बुलेट देख लीजिए कि अच्छा ये बंडल काम में आएगा, ये नहीं काम में आएगा, ये काम में आएगा, और उनको अलग से निकाल करके अलग रख लीजिए, और जो आपका सेट है उसको पीछे रहने दीजिए, और जो आपने सिलेबस के हिसाब से निकाला है उसको रिवाइज कीजिए। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे इस एग्जाम में एक्स्ट्रा क्या है, वो नगर पालिका की चलाई गई स्कीम्स और नगर पालिका अधिनियम, तो आपको वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका एक कंटेंट तो रेडी है। दूसरा, कुछ लोग ने कमेंट करके सवाल पूछा, मैडम जी इसके लिए कोचिंग करें क्या? भाई कोचिंग का एक्चुअली ट्रूथफुल बात यह है कि कोचिंग अपने आप में एक कीड़ा है, आपको कोचिंग का कीड़ा जितना जल्दी मार लोगे उतना अच्छा है। ये बात सुभाष चरण सर भी कहते हैं, ये बात आपको हर एक व्यक्ति वो कह देगा जिसने एक बार कोचिंग कर ली, वो कहेगा दोबारा कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। कोचिंग वाले आपको ये बताते हैं कि पढ़ना कैसे है, वो आपको नोट्स लिखवाते हैं। अब भाई आपने जब अगर नोट्स बना लिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, तो हर एग्जाम के लिए दोबारा से कोचिंग की फीस देने का क्या मतलब है? ये वाला तो आपने पढ़ ही रखा होगा, आपके लिए नया क्या है? आपके लिए नया है नगर पालिका अधिनियम और उससे संबंधित सारी योजनाएं। तो इसके लिए दो लोगों के वीडियोस तो मैंने देखे, एक तो महेश भास्कर सर का वीडियो मैं शेयर करती रहती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एक अन अकेडमी में पढ़ाते हैं सुरेश पुरोहित सर, वो भी बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनके YouTube के चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, उनकी वीडियोस देख लीजिए। और अल्टीमेटली है तो अपने आप में एक्ट, आपको याद तो करना ही होगा ऐसे प्रोविजंस, समझने के लिए आप उनके वीडियोस देख लीजिए और फिर उसके बाद में याद कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको किसी भी हाल में कोई फीस देनी चाहिए या फिर से कोचिंग करनी चाहिए, टाइम आपके पास बहुत सारा है। आपको एक्ट को याद करने के लिए क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको पन्ने पे लिखिए और अपनी स्टडी डिटेल के सामने चिपका लीजिए, आते जाते उनको देखिए। कोई भी चीज याद करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका होता है किसी को समझाएं, पढ़ाएं, एक्सप्लेन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो चीजें आपको कंठस्थ हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो यदि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है और इस एग्जाम को जीतना है तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि राजस्थान के जीके का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का आपके पास में बंडल्स रेडी होने चाहिए, जो आप ऐसे किसी फोल्डर में डाल के रखें, जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो अपने नोट्स में से वो कंटेंट निकालिए जो सिलेबस से मैच करता है, बाकी को वहीं रहने दीजिए, और फिर उसको ऐसे किसी बाइंडर क्लिप से बाइंड करके और सिर्फ उन्हीं नोट्स को रिवाइज करें, जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिले इस बाउंडर क्लिप में डालते चले जाइए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड स्पेटल मेमोरी पे काम करता है, पूरे पूरे प्रश्न याद हो जाते हैं माइंड को अगर वो बार बार आंखों के सामने आ रहे हो तो। और वैसे भी अक्सर ये डायलॉग मैं आपको कहती हूँ, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, आप तो वैसे ही बहुत सुजान है, तो आपको तो सिर्फ अभ्यास, बार बार रिविजन करना है। लिमिटेड कंटेंट मल्टीपल रिविजन इज द की टू सक्सेस। सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर क्वेस्ट, सम आंसर्स टू योर क्वेश्चन, और तैयारी करते रहिए। EORO की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जितनी मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी, मुझे लगता है कोई भी टेस्ट सीरीज जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल हो 500 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए,
बीस बीस पच्चीस पच्चीस टेस्ट आराम से 500 रुपए में मैनेज किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा महंगे हैं तो मुझे बता देना, दुरीना पे हम उनको बोल करके करवा देंगे आपके लिए। और वो यू एक सीक्रेट बात ये है, सीक्रेट ये है कि वीडियो की टेस्ट सीरीज जो है ना, उसमें भी राजस्थान का तो ये कंटेंट आया है, तो 100-100 रुपए में वीडियो की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वीडियो मीन्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और एलडीसी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी 199 में। तो एटलीस्ट राजस्थान जीके की तो आप वहां से भी कर सकते हो। सिर्फ नगरपालिका अधिनियम से संबंधित अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आई शैल टेल यू कि किसी यदि कपिल सर लॉन्च करते हैं या कोई और लॉन्च करता है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। पर हाँ, टेस्ट सीरीज खूब दीजिए, वो बहुत महंगी भी नहीं पड़ती और वो तैयारी को जांचने का एक अच्छा माध्यम है, उसके लिए हमेशा आप लोगों को कहती रहती हूँ। और आरएस फिल्म्स की जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, छोड़ के साइंस और मैथ्स एंड रीजनिंग को, बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप उसको भी कर सकते हो। एनीथिंग अटेम्प्ट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, इवन बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे हर रोज एक क्वेश्चन आते हैं, उनको करके देख लो, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेटली आपका गोल सिर्फ यही होना चाहिए कि जितनी आप तैयारी करें वो सारी की सारी आपकी सफलता की राह में होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।